स्टूडेंट्स, मांजा प्री विद्यार्थियों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपनी ड्रीम जॉब को अपने मुट्ठी में करने के लिए? जी हाँ, दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली पास्ड आउट एंड रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट। पहला नोटिफिकेशन है, रजिस्टर्ड होना मस्ट है और ओनली फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल। तो इसलिए बाकी जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट्स वाले हैं वो क्वेश्चन ना करें कि सर क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नाउ क्या है ये वैकेंसी? अभी आपने कुछ दिन पहले देखी थी कि जिला परिषद फार्मेसी ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, मोर देन 500 पोस्ट ओवरऑल। एंड नाउ अगेन देयर इज अनदर पोस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जिसमें आपको मोर देन 200 फार्मेसी ऑफिसर पोस्ट देखने को मिलेगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मंडल वाइज। चलिए मैं इसका क्विक रिव्यू करता हूं और आपको जरूर इसके लिए इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि लास्ट डे बड़ी नजदीक है। अगर बात किया जाए इन द मुंबई मंडल फार्मेसी ऑफिसर पोस्ट देयर इज द टोटल 25 पोस्ट, वाइल अगर हम बात करते हैं पुणे मंडल देयर इज द टोटल 22 पोस्ट इन द औषधि निर्माण अधिकारी, वाइल अगर हम बात करें हमारा यहाँ पे नेक्स्ट नासिक मंडल, इन द नासिक मंडल मैक्सिमम वैकेंसी ऑफ द फार्मेसी ऑफिसर दैट इज 47 पोस्ट। ये कम नहीं होती है बेटा, एक मंडल में 47 पोस्ट, दैट इज बिग नंबर। अगर बात किया जाए हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कोल्हापुर मंडल, इन द कोल्हापुर मंडल देयर इज द 38 पोस्ट औषधि निर्माण अधिकारी। अगर हम बात करते हैं इन द औरंगाबाद मंडल देयर इज 25 पोस्ट औषधि निर्माण अधिकारी, लातूर मंडल देयर इज 32 पोस्ट इन द लातूर मंडल। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कॉल्ड एज द अकोला मंडल, इन द अकोला मंडल 29 पोस्ट आर देयर। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज द नागपुर मंडल वेयर इज द 43 पोस्ट। ये हमारे डिफरेंट फार्मेसी ऑफिसर पोस्ट वैकेंसी अंडर द आरोग्य विभाग। तो अभी जिला परिषद की तैयारी शायद आप करना शुरू किए होगे और साथ ही साथ आपको एक और वैकेंसी मिल गई, सो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अगर मैं इसमें बात करूं सर इसकी लास्ट डेट कब है, जरा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, काल मर्यादा दिनांक 29 अगस्त 2023, पासून दिनांक 18 सितंबर 2023 रोजी रात्रि 11:59। मतलब इसकी जो लास्ट डेट है 18 सितंबर, बहुत जल्द है ये डेट, गेट रेडी फॉर दैट। अगर भर दिया है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं फिलअप किया है सो फिल दिस फॉर्म राइट नाउ, क्योंकि वेट मत करिएगा लास्ट डेट का। अब बात आती है कि सर इसकी फॉर्म शुल्क क्या है, इसकी परीक्षा शुल्क क्या होगी। मैं बात करूं यहाँ पे परीक्षा शुल्क के बारे में फॉर द जनरल कैटेगरी, ये पूरा पीडीएफ मैं आपको अटैच कराने की कोशिश करूंगा, आप देख जरूर लीजिएगा, अदरवाइज आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो जहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। हियर इज द कंपल्सरी एसेंशियल में क्या है, उम्मीदवार आला मराठी भाषेस पुरेस ज्ञान असले आवश्यक राहेल, मतलब मराठी आपको आना मस्ट है तभी ये चीज आपके लिए कंपलसरी है। एंड दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी ऑनलाइन पेपर होगा, सो बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन में अपने आप को रेडी रखना, आगे रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर इसके मैं बात करूं यहां पे इसके नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म के बारे में, जो परीक्षा शुल्क है पेपर फॉर्म है 1000 रुपीज फॉर द जनरल एंड अनरिजर्व कैटेगरी, वाइल अगर EWS और हमारा यहाँ पे बात किया जाए OBC वगैरह के बारे में तो 900 रुपीज इसके फॉर्म शुल्क होने वाली है। एंड लास्टली आता है हमारा रजिस्ट्रेशन, आपको ये सारी डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन डेट का भी नोटिफिकेशन नहीं किया गया और उन सभी की जानकारी के लिए प्लीज विजिट ऑन द arogya.maharashtra.gov.in पे, इस पे आपको पूरी कंप्लीट डिटेल ये मिलेगी, मैं आपको विजिट भी करा दूंगा। अगर यहीं पे लास्ट में हमारा बात किया जाए सर इसका हमारा फॉर द फार्मेसी ऑफिसर औषधि निर्माण अधिकारी का पे स्केल क्या है, जरा चेकआउट करिएगा, दिस इज पे मैट्रिक्स 29,200 to 92,300 पे मैट्रिक्स, दैट इज अ गुड वन सैलरी, यस यू कैन से दिस इज गिवन अंडर द क्लास 3 कैटेगरी, पॉजेस डिग्री इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एज द फार्मासिस्ट एज पर द फार्मेसी एक्ट 1948। कहां पे, और डिप्लोमा इन फॉर्मल रजिस्टर्ड विद द फार्मेसी एक्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 अलोंग विद द
ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। अगर फार्मासिस्ट के रूप में आपने गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में ऑलरेडी आपने वर्क किया है, देन दिस इज फॉर यू। एंड एनी प्राइवेट रजिस्टर्ड फार्मेसी में भी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। हॉस्पिटल और प्राइवेट फार्मेसी आपने अगर वर्क किया है, टू ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इफ यू हैव देन डोंट वेट, जस्ट फिल दिस फॉर्म एंड गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फर्दर जस्ट ओनली विजिट द arogya.maharashtra.gov.in। दिस इज द वेबसाइट जहां पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पे आप फर्दर कोई भी नोटिफिकेशन आपका जो होगा रिगार्डिंग द पेपर, रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डेट, ये सारी चीजें आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगी। सो गेट रेडी फॉर दैट। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नए इंफॉर्मेशन नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जीपैट डिस्कशन सेंटर। थैंक यू ऑल।